दोस्तों, एक इंजन में कंबस्टन चैम्बर के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में एयर भेजने के लिए टर्बोचार्जर्स को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम कम पावर वाले इंजन से ज़्यादा पावर निकाल सकें। पिछले वीडियो में हम एक सुपरचार्जर कैसे काम करता है जाने थे, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। सुपरचार्जर इंजन के अंदर कंप्रेस्ड एयर भेजता है, वही समान काम टर्बोचार्जर्स भी करता है, लेकिन टर्बोचार्जर्स का काम करने का तरीका सुपरचार्जर्स से कुछ अलग होता है। इंजन का वेस्ट एनर्जी से इसे चलाया जाता है, यानी इंजन एग्जॉस्ट गैसेस की मदद से इसे चलाया जाता है, इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टर्बोचार्जर्स को बहुत पसंद किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम एक टर्बोचार्जर कैसे काम करता है जानने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, टर्बोचार्जर्स का कंस्ट्रक्शन एक गैस टर्बाइन जैसी होती है। इसमें एक टर्बाइन व्हील और एक कंप्रेसर व्हील अलग अलग केजिंग के अंदर लगाया जाता है। यह दो व्हील एक शाफ्ट की मदद से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। टर्बाइन का केसिंग से एक पाइप इंजन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से जुड़ता है और कंप्रेसर व्हील का केसिंग से एक पाइप इंजन इनटेक मैनिफोल्ड के साथ लगाया जाता है। चलिए अब इसका वर्किंग को समझते हैं। एक इंजन चलते दौरान जितना सब वेस्ट गैसेस यानी एग्जॉस्ट गैसेस इंजन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से निकलता है और वहीं पर लगा हुआ होता है टर्बाइन व्हील। इसी हॉट गैसेस जब टर्बाइन का ब्लेड होते हुए गुजरेगा तो ये टर्बाइन को भी घुमाएगा। टर्बाइन घूमने से इसका शाफ्ट की दूसरे एंड में लगाया गया सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर भी घूमने लगेगा, जो कि इंजन सिलेंडर के अंदर कंप्रेस्ड एयर भेजता है। टर्बोचार्जर इंजन के अंदर 50% तक एक्स्ट्रा एयर प्रोवाइड करता है, जिसका नतीजा इंजन से हमको 30 से लेकर 40% तक पावर में बढ़त देखने को मिलता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं इसमें किस प्रकार के बियरिंग इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों, आमतौर पर टर्बोचार्जर्स की शाफ्ट का रफ्तार लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख RPM तक होता है। तेज़ रफ्तार की वजह से यहाँ अधिकांश बियरिंग फेल हो जाते हैं, इसलिए टर्बोचार्जर्स का शाफ्ट में ज़्यादातर फ्लूइड बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे टाइप्स ऑफ बियरिंग्स के ऊपर मैं पहले से भी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। टर्बोचार्ज इंजन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये होता है कि स्टार्टिंग में हमको इंजन से इंस्टेंट एक्सेलरेशन और इंस्टेंट पिकअप नहीं मिल पाता है, जिसे हम टर्बो लैग भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हॉट गैसेस के पास ज़्यादा पोटेंशियल होता है। इंजन स्टार्टिंग के समय इंजन एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं रहता है, इसी वजह से टर्बाइन धीमा रफ्तार में घूमता है। इंजन वार्म अप होने के बाद टर्बाइन एक अच्छा खासा RPM पर घूमने लगता है, जिससे इंजन से हमको बेहतर पिकअप और बेहतर एक्सेलरेशन मिलता है। इसी टर्बो लैग को कम करने के लिए टर्बाइन ब्लेड, कंप्रेसर ब्लेड और बेयरिंग को हल्का मटेरियल से बनाया जाता है। अब चलिए टर्बोचार्जर्स का कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। टर्बोचार्जर्स का सबसे पहला जो एडवांटेज ये होता है कि इसे चलाने के लिए हमको कहाँ से एक्स्ट्रा पावर इनपुट देना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसे हम इंजन का वेस्ट एनर्जी से चला लेते हैं। एक इंजन में टर्बोचार्जर लगने से हमको बेहतर एक्सेलरेशन और बेहतर पिकअप मिलता है, साथ ही इंजन से अच्छा फ्यूल इकोनॉमी भी मिलता है। टर्बोचार्जर का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये होता है कि इंजन स्टार्टिंग के समय हमको क्विक एक्सेलरेशन और क्विक पिकअप नहीं मिल पाता है, जिसे हम टर्बो लैग के नाम से जानते हैं। टर्बोचार्जर्स का इस्तेमाल जितना सब भारी वाहनों जैसे कि ट्रक, बस और कार्स वगैरह में किया जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को टर्बोचार्जर के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।